साइन वेव कंट्रोलर, ये तीनों वोल्टेज 48, 60, 72 तीनों में चलता है, 35 एम्प्स का पीक पावर, 2.5 किलोवाट किसकी पीक पावर है, और ये खेतान कंपनी का है। ये इसकी 10 इंचेस की हब मोटर 1000 वाट में, और ये भी तीनों को सपोर्ट करती है 48, 60, 72 को। हम इस वीडियो में आपको वन बाय वन करके सारे वायरिंग डिटेल्स बताएंगे, और इस कंट्रोलर के साथ ही सारे वायरिंग डायग्राम्स कनेक्टर्स मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ये रेड वाला इग्निशन स्विच, ये हम इग्निशन स्विच में कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से। हाँ, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव कनेक्शन हो गया इग्निशन का, और ये हमारे स्पीडोमीटर का कनेक्शन है। अब आपको एक चार्ट भी दे देंगे, उसमें सब कुछ मेंशन है। ये चार्ट है, ये चार्ट है, इसमें सब कुछ मेंशन है जो और वायरिंग। ये स्पीड सिग्नल वायर है, ये स्पीड सिग्नल वायर है। ये हमारा हॉल सेंसर का हो गया, यहाँ पे मोटर के हॉल सेंसर का, ये थ्री फेज, ये मोटर के थ्री फेज। और ये हमारे हैं वोल्टेज सिलेक्टर, जैसे अगर हम 72 पी यूज करेंगे तो ये हमारा स्काई कलर का वायर, और ये एक ब्लैक कलर का वायर जो हम इस टाइम 72 पे से टेस्ट कर रहे हैं, और स्काई ब्लू को हमने ब्लैक के साथ शॉर्ट कर दिया है, यानी हमारा कंट्रोलर इस टाइम 72 वोल्ट पे सिलेक्टेड है, स्विच हो रखा है। अगर हमें 60 पे करेंगे तो फिर हम ये दोनों व्हाइट वायर से इनको शॉर्ट करेंगे, फिर जब हम 60 वोल्ट की इसमें बैटरी अटैच करेंगे तब। और 48 पे 48 अगर आपको यूज करना है तो ये दोनों हटा दीजिए। हाँ जी, ये दोनों हटा देंगे तो 48 पे चलेगा ये मोटर। अभी इस टाइम हम 72 पे सेलेक्ट चला रहे हैं तो ब्लू के साथ शॉर्ट। अब ये आपका थ्रॉटल का स्विच है, वही ये थ्रॉटल की वायर है। इसमें कलर कोडिंग का ज्यादा ध्यान रखना, रेड के सामने रेड, रेड के सामने रेड, हाँ, ब्लैक ग्राउंड के सामने ग्राउंड ब्लैक, एंड ये इसका सिग्नल का वायर है ग्रीन वाला, ये ग्रीन इसका सिग्नल का, ठीक है। और ये आपकी स्पीड वाली हो गई आपकी, हाँ ये रही, ये थ्री स्पीड मोड है। ये जब ये ग्राउंड येलो के साथ शॉर्ट होता है तो लो स्पीड मोड है, और जब ये ग्राउंड ब्राउन व्हाइट के साथ कनेक्ट होता है तो हाई स्पीड। अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे पूरा, इसको हम हाई स्पीड में करके दिखाएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया सेल्फ लर्निंग का है, ये ब्लू कलर का सेल्फ लर्निंग वायर, जैसे मोटर आप गलती से गलत कनेक्ट कर दी थी, इसको आप जब ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे तो सेल्फ लर्निंग होगा। एक बार सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। ये हमारा रिवर्स का हो गया, ये रिवर्स के लिए, जैसे गाड़ी में ज्यादा लोड होता है तो फिर रिवर्स करने में दिक्कत होती है, तो रिवर्स के लिए यूज करते हैं ये रिवर्स के लिए। और इसको भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे, इसको भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे, सिंपल है। अब आपको रन करके दिखाते हैं, सबसे पहले मीडियम स्पीड में करके दिखाते हैं। स्कॉर्पियन भी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, ये इसकी मीडियम स्पीड है। अभी हम हाई स्पीड दिखाते हैं इसको, जैसा कि मैंने कहा था ब्राउन के साथ शॉर्ट करना है, ये मैंने ब्राउन के साथ शॉर्ट कर दिया ग्राउंड को, ये वायर, ठीक है। इसका आरपीएम हम टेस्ट करके दिखाएंगे, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कुंडा मिल जाएंगे। इसका मैक्सिमम आरपीएम 72 वोल्ट पे, इसकी 884 आरपीएम आ रही है, इससे अराउंड आपको 70-75 की टॉप स्पीड मिलेगी। बहुत ही हाई स्पीड मोटर है, बहुत हाई स्पीड मोटर है, और साइन वेव कंट्रोलर है, बहुत बढ़िया 120 फेज एंगल में। इसके अदर फीचर्स वन बाय वन एक बार सेल्फ लर्निंग भी आप करके दिखा दीजिए। मैं एक बार पहले रिवर्स दिखा देता हूँ, एक बार सेल्फ लर्निंग, तो जब हम अपोजिट कनेक्ट करेंगे तभी हमें दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड, इसका ग्राउंड वाला एक वायर है यहाँ पे, ये रहा, ये हमारा ग्राउंड है। एक बार मैं इस ग्राउंड, ये ग्राउंड यही है, वायर जी लिख रखा है मैंने ग्राउंड, ये रिवर्स के साथ एक बार शॉर्ट करूँगा फिर ये अपोजिट चलेगा। अपोजिट में लो स्पीड होती है, हाई स्पीड नहीं होती, इतनी स्पीड है, अराउंड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है रिवर्स। इसमें मैं आपको बताना भूल गया, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा इसके साथ एक सॉकेट आता है, ये डायरेक्ट ये बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा 72 का, और ये सिंपल ऐसे कनेक्शन हो जाएंगे इसके, ये एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम का ये चालू हो गया, और ये हमारा सिस्टम हो गया। अब अगर हम एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम से भी ऑन करना चाहें तो ऑन हो जाएगा।
मोटर रन कर सकते हैं एंटी थर्मलाम सिस्टम से भी, प्रोटेक्शन के लिए, ऐसा चोरी से बचा बचा सकता है।